नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने स्वामी की दादी का पाठ पठन किया था, मतलब हमने उसमें पाठ को पढ़ा था और सरल अर्थों में जाना था। ये भाग दो है और इसके अंदर हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और जो शब्दार्थ भी आपके इसमें आए हैं वो भी जो हूँ मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है मैं आपको शब्दार्थ करवाऊंगा। शब्दार्थ करते हैं, चलिए। खूंखार, जिसका अर्थ होता है डरावना या फिर जिसमें दया का भाव ना हो। ऊल झलूल, बेकार की बातें। चकित, हैरान। अधीक्षक, प्रशासन के अधिकारी। परीक्षक, परीक्षा लेने वाला। बैठक, मेहमानों के बैठने का स्थान। प्रसन्नता, खुशी। दुश्मनी, शत्रुता। खत्म, समाप्त। गडमड, एक दूसरे में मिलाना। उत्साह, जोश। अब हम जो है कहानी से यानी कि आपके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न एक, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को ऐसा क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उत्तर, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही थी। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। प्रश्न दो, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर, दादी ने बुआ को महामूर्ख इसी लिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादा को MA करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वा कर चूड़ियां बनवा ली। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुआ ने क्यों माना होगा। प्रश्न तीन, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। उत्तर, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह दादी से बहुत प्यार करता है। वह उनके साथ खुश रहता है। वह अपने दोस्त के बारे में दादी को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, लेकिन दादी ज्यादा ध्यान नहीं देती तो उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह दादी से अपनी बात सुनने को कहता है, पर वह खुद की बात ध्यान से नहीं सुनता। तुम्हारी समझ से। प्रश्न एक, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। उत्तर, हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते
थे, वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को मारा था, और तो उसने पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे। उसके पास पुलिस की वर्दी भी थी। प्रश्न 2, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। उत्तर, स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी-कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगति में वह प्रश्न था और कहानी और तुम। ख, स्वामीनाथन के दादा रॉबजार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति को रॉब किन बातों से पता चलता है? उत्तर, किसी व्यक्ति का रॉब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। ख, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचे। तो आप एक्टिंग खुद से कर सकते हैं। उत्तर, स्वयं करें। हमारे घर के पास एक अंकल है। वह सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। वह एक सैनिक रह चुके हैं। उनकी आवाज बुलंद है। उनके उठने, बैठने, बोलने के तरीके से शालीनता और रौब झलकता है। उन्होंने अपने प्रयासों से एक खाली जगह पर बच्चों के लिए पार्क बनवाया है। सभी लोग उनका बहुत आदर करते हैं। प्रश्न 2, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते या करती हो? उत्तर, जब घर में कोई नहीं होता है और बिजली गुल हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये गुल शब्द दिया गया है, गुल इसका अर्थ है चली जाती है, बुझ जाना या फिर खराब हो जाना। ओके, प्रश्न 3, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? ख, दोस्त के घर में। ख, जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो या जाती हो। घ, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर। घ, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हो या जाती हो। उत्तर, ख, दोस्त के घर में मैं और हम प्रसन्नता महसूस करते हैं। ख, जब हम पहली बार किसी के घर में जाते हैं तो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। घ, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हमें बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु थकान भी होती है। घ, जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो डर लगता है। ठीक है, तो ये आप उत्तर लिख दीजिएगा। पता करो। प्रश्न 1, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? वह पुलिस विभाग में होता है। मैंने इसका उत्तर आपको इसके पाठ पठन में भी बताया था। उत्तर, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। वह पुलिस विभाग में नहीं होता है।
प्रश्न दो, तुम्हारे घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पद पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो थाने का नाम। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे थाने का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका पद लिखना है और व्यक्ति का नाम। उत्तर, थाने का नाम अबस विवेक बिहार। पद, व्यक्ति का नाम HAO श्री श्याम शर्मा। इंस्पेक्टर श्री राजकुमार। सब इंस्पेक्टर श्री VP शर्मा। हवलदार श्री राधेश्याम। सिपाही श्री सुख विंदर सिंह। दादी का बक्सा, उसका यानी दादी। सामान था 5 दरियों 3 चादरों और ये जो रेखा खींची यानी और भी सामान था। लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी ही क्यों रखती होगी? उत्तर, दादी बक्से में अपने खाने के लिए लौंग और सुपारी रखती होगी। कुछ लोगों को इन्हें खाने की आदत होती है, वे खाने के बाद इन्हें चबाते रहते हैं। प्रश्न दो, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह होता है? उत्तर, हमारे घर में इन चीजों का इस्तेमाल चाय, हलवा, पुलाव, पान और खीर जैसी चीजों को बनाने में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सुपारी होता है, इसका जो होता है पान में होता है, तो आप इसको ना ही लिखें तो ये सही रहेगा। ये गलती से आ गया तो हम यहाँ पे पान को नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुपारी का ही है प्रयोग और पूजा में तो इसका होता ही है प्रयोग। सबसे ज्यादा मुख्य जो होता है वो पूजा में ही इसका जो होता है प्रयोग होता है। प्रश्न 3, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? उत्तर, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और लोहा धातु का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 4, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? बहुत सारे धातु के हो सकते हैं ना सिक्के, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल और गिल्लट आदि धातुओं के बने हो सकते हैं। और अगर आपको आदि धातु जो है पता है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।